फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकीह और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर न निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। उन दिनों में एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहिन और फकीह बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है? उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन न किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से, तो सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यसु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता किन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। फिर उसने लोगों से यह तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें, लेकिन बागबानों ने उसको पीटकर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीटकर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर ताकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। बस उसको ताकिस्तान से बाहर निकालकर कत्ल किया। अब ताकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और ताकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने यह सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा, उसे पीस डालेगा। उसी घड़ी फकीहों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही, और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़े, ताकि उसको हाकिम के कब्जे और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है, और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है, हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं?
उसने उनकी मकारी मालूम करके उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ न सके, बल्कि उसके जवाब से ताज्जुब करके चुप हो रहे। फिर सदूकी जो कहते हैं कि कयामत नहीं होगी, उनमें से बाज ने उसके पास आकर ये सवाल किया कि ऐ उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का ब्याहा हुआ भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। चुरांचे 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने उसे लिया और तीसरे ने भी, इसी तरह 7 बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस कयामत में वो औरत उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यसू ने उनसे कहा, किस जहान के फर्जंदों में तो ब्याह शादी होती है, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें, उनमें ब्याह शादी ना होगी, क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और कयामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। लेकिन इस बात को कि मुर्दे जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी के जिक्र में जाहिर किया है। चुनांचे वो खुदावंद को अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है। लेकिन खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, बल्कि जिंदों का है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। तब बास फकीहों ने जवाब में उससे कहा कि ऐ उस्ताद, तूने खूब फरमाया, क्योंकि उनको उससे फिर कोई सवाल करने की जरूरत न हुई। फिर उसने उनसे कहा, मसीह को किस तरह दाऊद का बेटा कहते हैं? दाऊद तो जबूर में आप कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। बस दाऊद तो उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फकीहों से खबरदार रहना, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। इन्हें ज्यादा सजा होगी।